बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या पूछ रहे हैं। तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वाक साहब ये नए हैं जंग से हूँ जंग से। अच्छा मेरी ना बैंस को मसला ये बन गया है कि उसके जी जो पिछले थन हैं उन पर सोजिश हो गई है सोजिश हो गई। अच्छा और उसको बैंस को सूए हुए मेरे ख्याल में 20-25 दिन हो गए बीस हैं और पच्चीस एक दिन हफ्ता पहले ही उसके जो पिछले थन हैं हाँ उन पर बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई है ठीक और सोजिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उसके जो पिछले थन हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए सख्त हैं हो गए हैं। ठीक उनमें से दूध निकालना भी वो बहुत तो मुश्किल मुश्किल हो है। गया जस्ट हाँ वेरी और इलाज के तौर पर उसे लाल मिर्चें भी दी हैं घी के अंदर मिलाकर और द मेडिसिन के तौर पर ये आपको मैंने ऊपर टीके नुमा ट्यूब दी है ये भी लगा रहे हैं और इसके अलावा ट्राइएक्सल LA इंजेक्शन है वो भी इस्तेमाल किया है टाइजेंट इंजेक्शन है वो भी इस्तेमाल किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आ रहा उसके थन वैसे के वैसे ही सख्त हैं बराए मेहरबानी कोई इसका बेहतर इलाज कोई मौसर कोई फौरी इलाज है तो बता दें ताकि वो भैंस हमारी ठीक हो जाए शुक्रिया। मेरी जान, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। और जांग से आइंदा जब भी आप करें वॉइस मैसेज तो आप प्लीज़ जांग का ये भी बता दें कि कहाँ से बोल रहे हैं। और इस जो भैंस का थन बहुत ज़्यादा सूज गए हैं और ये है मेस्टाइटिस है, इसका इलाज पूरा मुकम्मल कराएं। वो ये है कि आप दूसरे जो टीके बता रहे हैं आप इनकी बजाय आप लिख लें PPSL लेके लें 25-25 ना हाँ 25-25 CC का भैंस और गाय को लगता है 25 CC पर डे 4 दिन लगाएं बिस्मिल्लाह करके। और इसके साथ इसको खीर ज़रूर देनी है। 2 लीटर दूध में आधा पाव सफ़ेद ज़ीरा और 1 पाव लहसुन या थोम जिसको कहते हैं देसी और 1 छटाक उसमें मीठा सोडा, ये खीर बना के इसको 6-7 दिन लगातार देनी है 2 लीटर दूध में। ठीक है मेरी जान, ये आप रोज़ाना की बुनियाद पे मैंने फार्मूला आपको दे दिया है। और टीके आप 25-25 ml का CC का लगाएंगे 4 दिन तो फिर उसके बाद मुझे आपने ज़रूर प्लीज़ बताना है। ठीक है, और दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला आपकी भैंस को बिल्कुल ठीक कर दे, कर देगा, अल्लाह फजल करेगा बहुत बड़े बड़े। और पहले जो आप करते रहे हैं वो मिर्च जो होती है काली मिर्च वाला मैं देता हूँ, 1 छटाक काली मिर्च में आप 1 पाव देसी घी का तड़का लगा के वो मैं 3 दिन देता हूँ तो उसका सारी सोजिश उतर जाती है। लेकिन अगर नहीं उतर रही तो ये टीके लगाएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा। सब चीज़ अल्लाह के हाथ में है मेरी जान, कुल शी बिदा अल्लाह। और दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला ठीक कर दे। और पूरे जंग को सलाम, और आइंदा जब भी वॉइस मैसेज करें तो प्लीज़ जंग का जगह का ज़रूर बताना है कि कहाँ से बोल रहे हैं। हो सकता है मेरे बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा करीब, मेरे दिल के करीब हो जंग। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह।